डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 सिमिलर ट्राइंगल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जो एडिशनल क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। ये देखिए, एक क्वेश्चन हमारे पास है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए वन साइड बीसी ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट बीसी। देखिए, ये बीसी है, यहां पर एक फिगर है बीसी है, बीसी का परपेंडिकुलर साइड यहां पर बन रहा है एडी, बीसी एट एडी, बीसी जो है एडी के पास, डी के पास क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है। सच दैट डीबी इज इक्वल टू 3cd, ये गिवन है हमको, डीबी इज इक्वल टू 3cd। प्रूफ, 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, हमको ये प्रूफ करना है, ये गिवन है। सी इन द फिगर, फिगर के अंदर हमको गिवन यहां पर है, ये परपेंडिकुलर साइड है, यहां पर AD का परपेंडिकुलर होगा यहां पर CBC। अब देखेंगे हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका देखेंगे हम, जो सबसे इजी वे होता है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हम गिवन, गिवन है इनको, क्या है यहां पर गिवन, देखिए DB इज इक्वल टू 3cd, DB इज इक्वल टू 3cd। इसको अच्छी तरह याद रखिए, हमको बाद में यूज करना है इसको। यहां पर हम DB इज इक्वल टू, इसको दे देंगे सपोज 1, इसको हम आगे यूज कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह देखिए, अब यहां पर क्या करना है, टू प्रूफ, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमको, यहां पे दे दिया देखिए, 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। देखिए, सबसे इजी मेथड जो है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, वो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, एक दो बार आप इसको देखेंगे तो आपको आसानी से यहां पर समझ में आ जाएगा। यहां पर हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल को टू टाइप में डिवाइड करेंगे, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। यहां पर लिख सकते हैं हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम यहां पर यूज करेंगे। किसके पाइथागोरस ले लेंगे, सबसे पहले देखिए ये ट्राइंगल है, यहां पर ये ट्राइंगल का यूज करेंगे ACD, ये पाइथागोरस ट्राइंगल यूज करेंगे। पहले यहां पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD, ये ACD का पाइथागोरस थ्योरम यहां पर लिखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के लिए देखिए, सबसे बड़ा साइड जो है ये हाइपोटेन्यूज साइड है, ये परपेंडिकुलर साइड है, ये अपोजिट साइड है, एडजेसेंट साइड अपोजिट साइड, ये हाइपोटेन्यूज साइड है। तब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहां पर हम, AB, यहां पर हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये यहां पर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। सपोज इसको सपोज समझेंगे, ए समझेंगे, सपोज होगा ये ए। अब उसी तरह एक और ट्राइंगल है हमारे पास, यहां पर भी देखिए ट्राइंगल ABD, ये ट्राइंगल यहां पर हम ले सकते हैं, यहां पर लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ABD, ये ट्राइंगल के अंदर हम ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे AB स्क्वायर बड़ा साइड हो जाएगा इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर हो जाएगा। इसको सपोज हम दे देंगे ये B हो जाएगा हमारा, यहां पर देखिए, यहां पर ये जो साइड है बड़ा साइड है AB स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों में कोई साइड भी हम यहां पर यूज कर सकते हैं। अब इसको हम दे दिए, यहां पर लिखेंगे फ्रॉम 1 to 2 लिखेंगे, यहां पर 1 और 2 से फ्रॉम ए या बी, फ्रॉम बी से समझेंगे, फ्रॉम बी को हम सपोज लेंगे या ए को भी आप ले सकते हैं। हमारे पास बी क्या है इसके अंदर, देखिए यहां पर हमको बी AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये बी है। अब इसके लिए हम आंसर में देखिए, यहां पर क्या प्रूफ करना है हमको, 2AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बोथ साइड
both side adding 2 करेंगे, इसके दोनों साइड पे क्या ऐड करेंगे हम 2 ऐड करेंगे। किस तरह ऐड करेंगे 2, देखिए ये हो जाएगा 2ab² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2bd² प्लस ये हो जाएगा 2ad² हो जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन यहां पर बन जाए, इस तरह आंसर ये बन जाएगा। ये लेने के बाद हमको क्या करना है, यहां पर फ्रॉम यहां पर ले लेंगे, फ्रॉम ए ले लेंगे, ए से ए क्या है देखिए यहां पे ac² इज इक्वल टू यहां पर लिखेंगे हम फ्रॉम ए, ac² इज इक्वल टू cd² प्लस ad² ए वाला इक्वेशन है हमारा ये। अब यहां पर से ad को हम बाहर कर सकते हैं, यहां से ad को आप बाहर कीजिए, ad है इसको हम बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा ad² इज इक्वल टू ये ac², इसको इस तरफ ला लीजिए माइनस cd² हो जाएगा, ac² माइनस cd² यहां पर हमको हो जाएगा। उसके बाद दोबारा हम क्या करेंगे ये इक्वेशन यूज करेंगे, देखिए यहां पर जो इक्वेशन लिए ये इक्वेशन को हम यहां पर लिखेंगे दोबारा से, क्या है हमारा इक्वेशन यहां पर 2ab² इज इक्वल टू 2bd² प्लस 2ad², थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, आपको आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो बीडी है ये बीडी को हम हटा देंगे, यहां पर ये बीडी को यहां से हम निकाल देंगे, हटा के हम ऑलरेडी यहां पर लिख चुके हैं, देखिए ये हमारा है बीडी इज इक्वल टू 3cd है, इसको हम सब्स्टिट्यूट यहां पर करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां पर ले सकते हैं क्या है हमारे पास गिवन BD और DB इज इक्वल टू 3CD, ये है फ्रॉम 1 से, ये हमारे पास फ्रॉम 1 से। तब हम क्या कर सकते हैं देखिए ये एज इट इज रखेंगे 2ab² इज इक्वल टू ये BD को अगर हटा देंगे हम तो 2 × क्या हो जाएगा ये 3CD ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2। अब देखिए यहां पर AD² यहां पर AD² इज इक्वल टू हमको अभी आया यहां पर, यहां देखिए AD² इज इक्वल टू AC² माइनस CD² तो इसको हम यहां पर से ये AD हटा के उसको रख सकते हैं, क्या रखेंगे हम यहां पर AC² माइनस CD² ये हम यहां पर रख सकते हैं। आ रहा है ना आपको समझ में तो आ रहा ना, बहुत आसान है ये 2ab² इज इक्वल टू 2 × 3×9cd² प्लस 2ac² माइनस 2cd² ये हमारा अगला स्टेप हो गया। अब 2ab² इज इक्वल टू 2 × 9 हो जाएगा 18cd² प्लस 2ac² माइनस 2cd² हो जाएगा। अब यहां पर देखिए यहां पर 18 है यहां पर 2cd² है, 18 माइनस 2cd² अगर हम माइनस कर देंगे तो 2ab² हमारा एज इट इज हो जाएगा, ये दोनों को माइनस करेंगे तो 16cd² आ जाएगा प्लस 2ac² हो जाएगा 16ac² 2ab² एज इट इज लिखेंगे, 16 को हम 4cd² लिख सकते हैं, 4 से क्या हो जाएगा हमारा 16 प्लस 2ac² एज इट इज लिख देंगे। 2ab² इज इक्वल टू ये 4cd को हम क्या कर सकते हैं 3cd प्लस cd लिख सकते हैं, 3cd प्लस cd 4cd हो जाएगा प्लस 2ac² एज इट इज हम लिख देंगे यहां पर। 2ab² इज इक्वल टू 3 देखिए cd हमारे पास पहले से cd हमारे पास यहां पर है, देखिए 3cd इज इक्वल टू क्या है यहां पर db है तो 3cd के प्लस में हम क्या रख सकते हैं db यहां पर हम रख सकते हैं, तब हम क्या करेंगे 3cd की प्लस में हम 3cd हटाकर हम क्या रख सकते हैं ये db रख सकते हैं प्लस cd ये हो गया होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ac² ये हमारा अगला स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप के लिए 2ab² इज इक्वल टू
देखिए डीबी प्लस सीडी, डीबी प्लस सीडी इज इक्वल टू हमारे पास पहले से मौजूद डीबी प्लस सीडी हमारे पास यहां पर देखिए क्वेश्चन एक बार फिगर देखिए, ये देखिए ये हो जाएगा डीबी प्लस ये हो जाएगा सीडी, डीबी प्लस सीडी ये एक ही लाइन पे आ रहा, सीडी प्लस डीबी है एक ही लाइन पे आ रहा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं ये पूरा निकाल के बीसी लिख सकते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है सेकंड स्टेप है, ये पूरा मिला के हम क्या कर सकते हैं इसको बीसी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम इसकी प्लेस में क्या लिखेंगे बीसी स्क्वायर लिखेंगे, प्लस यहां पर है टू ए सी स्क्वायर, टू ए सी स्क्वायर। आपको प्रूफ करना क्या था हमको क्वेश्चन के अंदर, यही प्रूफ करना था, देखिए यहां पर टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हमको आ गया टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू ए सी स्क्वायर, इसको इस तरह लिख सकते हैं टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं। यहां पर हम लिख देंगे हेंस इट इज प्रूव्ड, एक दो बार देखिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करेंगे 10th, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th यहां पर है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है, इसको आप अगर समझ जाएंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए सबसे पहले इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहां पर हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारा हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है इसके तीनों साइड्स भी इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी सच दैट बी डी 1/3 बी सी, यहां पर क्या होगा हमारा जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बी डी जो पॉइंट है वो बी डी का थर्ड पार्ट होगा, बी डी का थर्ड पार्ट, तो यहां पर हम ले लेंगे इसका बी डी का थर्ड पार्ट के लिए इस तरह लेंगे हम ये थर्ड पार्ट, इसको ले लेंगे हम डी, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट, इसके अंदर तीनों पार्ट है यहां पर। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर एक लाइन लेंगे परपेंडिकुलर लाइन, ये लाइन ले लेंगे हम इक्वल लेना है, इक्वल लेना है, ये लाइन को दे देंगे ई, ये लाइन हम हमारी तरफ से ले लेंगे, इसको हम दे देंगे ई। देखिए हमको प्रूफ करना है, यहां पर लिखेंगे क्या लिखेंगे सिंस ए बी सी इज क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसके बाद हम क्या करेंगे गिवन लेंगे, ये गिवन अच्छा याद रखिए हमको यूज करना है आगे, गिवन गिवन है बी डी इज इक्वल टू 1/3 बी सी, बी डी इज इक्वल टू 1/3 बी सी, ये गिवन है यहां पर, गिवन है हमको। तो प्रूफ क्या करना है यहां पर, टू प्रूफ, टू प्रूफ करना है हमको 9AD² इज इक्वल टू 7AB² हमको प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है हमको। देखिए थोड़ा लेंथी हो सकता है क्वेश्चन ही, ये देखेंगे हम। सबसे पहले यहां पर हम क्या करें, देखिए ये बीसी है, ए ई का परपेंडिकुलर हो रहा बीसी, यहां पर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे ड्रॉ, ड्रॉ ए ई का परपेंडिकुलर हो रहा बी सी, ए ई का परपेंडिकुलर हो गया बी सी। अब देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है यहां पर, ये जो हम साइड लिए दोनों के बीच में है, तो बी ई इज इक्वल टू ई सी हो जाएगा, याद रखिए बी ई इज इक्वल टू ई सी, ये दोनों साइड यहां पर बराबर हो जाएंगे, बी ई इज इक्वल टू ई सी, यहां पर लिखेंगे बी ई इज इक्वल टू ई सी, बी ई इज इक्वल टू ई सी, बी ई इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू ये जो है हाफ है, बी सी का हाफ ले रहे हैं हम ये, तो इसलिए हम क्या करेंगे बी सी बाई टू ले लेंगे इसको, बी सी बाई, बी सी बाई टू, आ रहा समझ में आप लोगों को, बी सी बाई टू यहां पर हम ले रहे, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं आपको आसानी हो जाए, यहां पर बी सी इज इक्वल टू
बीई प्लस ईसी। ये आपको ताकि आसानी हो जाए यहां पर मैं लिख दिया, आप लोग आसानी से देख सकते हैं बीई बाई क्या ली ईसी। उसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर गिवन, क्या गिवन है इनको क्वेश्चन में, इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है हमको। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या रहता है, तीनों साइड्स भी बराबर रहते हैं, ए बी और बी सी ए सी, तीनों साइड्स भी हमारे इक्वल होंगे, ये तीनों साइड्स हमारे इक्वल है। अब देखिए यहां पर बी ई इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू बी सी बाई टू, हम यहां से ले रही है, यहां से लिए बी सी बाई टू हमारा हो गया। तो यहां पर हम ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी लिए। अब यहां पर हम लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू बी सॉरी बी ई इज इक्वल टू, यहां पर लिख सकते हैं ये तीनों साइड्स बराबर है ए बी बी सी ए की, तो बी सी के प्लस में ए बी भी हम लिख सकते हैं ए बी बाई टू। ये सपोज इसको हम दे देंगे, क्या देंगे इसको हम वन दे देंगे। देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए हम बीसी के प्लस में ए बी भी रख सकते हैं, ए सी भी हम यहां पर रख सकते हैं, तीनों साइड भी हमारे बराबर है यहां पर। अब देखेंगे हम इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी ई, ये ट्रायंगल, अब देखिए ये ट्रायंगल है हमारा ए बी ई, ए वाला ट्रायंगल ए बी ई, ये ट्रायंगल में हम क्या करेंगे यहां पर बाई द पाइथागोरस थ्योरम ले लेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम, ये ट्रायंगल आप ले लेंगे, तो हमारा ये ए बी बड़ा साइड है, हाइपोटेन्यूज साइड है, उसी तरह बी ई स्क्वायर और ए ई स्क्वायर हम यहां पर ले सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे, यहां पर लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से हमारा क्वेश्चन हो गया। अब यहां पर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू, यहां पर ए बी बाई टू है, यहां पर लिखेंगे बी ई इज इक्वल टू ए बी बाई टू, इसको हटा के हम इसकी प्लेस में क्या रख सकते हैं वन बाई टू ए बी रख सकते हैं, होल स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर हो जाएगा ए ई स्क्वायर। देयरफॉर यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये ए बी है, ए बी को हम बी ई भी लिख सकते हैं, ए बी को हम क्या कर सकते हैं बी ई भी लिख सकते हैं, बी ई इज इक्वल टू वन बाई टू ए बी, ए बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बी ई इज इक्वल टू वन बाई टू भी हम लिख सकते हैं। अगर स्टेप नहीं भी लिखेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट अगला स्टेप देखेंगे। अब देखिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये ले सकते हैं, क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर बाई टू टू जा फोर हो जाएगा, प्लस क्या है यहाँ पे ए ई स्क्वायर हो गया, ए ई स्क्वायर ए बी स्क्वायर, इसको आर एच लेफ्ट हैंड साइड में ला लीजिए, ए बी स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर, ये हो गया। अगले स्टेप के लिए हम क्या करेंगे यहां पर, यहां पर हम वन ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे फोर, एलसीएम हो जाएगा हमारा फोर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए फोर ए बी स्क्वायर माइनस वन इंटू ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों को हम माइनस करेंगे तो थ्री ए बी स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर। आपको कोशिश करना है कि सभी वैल्यूज ए बी में आए, सभी वैल्यूज ए बी में लाने की कोशिश करना पहले, इसलिए हम यहां पर भी क्या करें फर्स्ट को ए बी में ला लिए, तो सेकंड वाले को भी हम क्या करेंगे ए बी में ला लेंगे, इसको हम दे देंगे सपोज ये हो जाएगा हमारा सेकंड। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्राइंगल यूज करेंगे, इन ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई ट्राइंगल यूज करना है। ये देखिए ये हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है यहां पर नाइन ए डी है, तो इसलिए हम ट्राइंगल क्या यूज कर रहे हैं ए डी, हम ट्राइंगल ए डी ई लिए, देखिए ए डी
ई, ये ट्राइंगल को हमको लेना है ए डी ई, क्योंकि हमको क्वेश्चन में ए डी गिवन है, ए डी ई ए वाला ट्राइंगल हमको लेना है। इसलिए हम क्या लिखे, ए वाले ट्राइंगल में सबसे बड़ा साइड ए डी है, ये दोनों छोटी साइड से, तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम है हमारा, ले लेंगे यहां पर, ले लेंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम यहां पर हम ले रहे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या, सबसे बड़ा साइड है ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ये पाइथागोरस में है। देखिए थोड़ा एक दो बार आप देखेंगे तो इसको आसानी से आप समझ सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ये ज्योमेट्री, थोड़ा आपको मुश्किल हो जाएगी। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ए ई को बाहर ले लेंगे, ए ई को बाहर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, इसको इस तरफ ला लिए, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, इसका नंबर हो जाएगा थ्री, ये नंबर हो जाएगा इसका थ्री। अब यहां पर हमको गिवन ले, गिवन ले, गिवन बी डी इज इक्वल टू ए बी, सॉरी बी डी इज इक्वल टू बी सी बाई थ्री गिवन है हमको, क्वेश्चन में गिवन है, हम यहां पर लिखे अच्छे ऑलरेडी, देखिए यहां बी डी इज इक्वल टू वन बाई थ्री बी सी गिवन है, ये हमारा गिवन लिख लिया हम, बी डी इज इक्वल टू बी सी बाई थ्री। अब देखिए बी डी इज इक्वल टू ये बी सी को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ए बी बाई थ्री, ए बी बाई थ्री, ये हो जाएगा नंबर फोर। क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल बोले, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, किसी भी हम ए बी के प्लेस में बी सी, बी सी के प्लेस में ए सी भी लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, इसको हम दे देंगे फोर। यहां पर क्या करेंगे, अब अगले स्टेप के लिए इक्वेशन, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन फोर, वन में से हमें क्या करना है, इक्वेशन फोर माइनस करना है, इक्वेशन वन बी ई माइनस बी डी हो जाएगा, इक्वेशन फोर को ले लेंगे ए बी बाई टू माइनस ए बी बाई थ्री, ए बी बाई थ्री, ए बी बी सी बाई थ्री ये टू हो जाएगा, गिवन है हमारे पास ये बी डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमको पहले हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बी इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी बाई टू, ये हम सॉल्व कर चुके हैं, इसको ले लीजिए, इसके अलावा यहां पर भी देखिए बी इज इक्वल टू ए बी बाई टू, तो ये हो जाएगा बी ई माइनस बी डी इज इक्वल टू ए बी बाई टू माइनस ए बी बाई थ्री। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, बी ई माइनस बी डी, बी ई माइनस बी डी, देखिए यहां पर देखिए BE माइनस BD, ये BE माइनस BD, ये पूरे मिला देंगे तो बच जाएगा क्या हमारे पास, DE बच जाएगा, ये DE बच जाएगा, ये BE में से BD को हम माइनस कर रहे हैं, इस एंगल को माइनस कर रहे हैं, इस एंगल को माइनस कर रहे हैं, तो बच जाएगा DE बच जाएगा। तब हम क्या कर सकते हैं, BE माइनस BD को अगर माइनस करें तो DE बच जाएगा, वही लिखेंगे हम, DE इज इक्वल टू यहां पर लिखेंगे ए बी बाई टू माइनस ए बी बाई थ्री, डी ई इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, टू थ्री जा सिक्स, थ्री इंटू ए बी थ्री ए बी, टू इंटू ए बी टू ए बी, डी ई इज इक्वल टू ये दोनों को माइनस कर देंगे हम, तो ए बी बाई हो जाएगा सिक्स, इसको दे देंगे हम नंबर फाइव, इसको देंगे हम नंबर फाइव। अब देखेंगे यहां पर फ्रॉम फ्रॉम टू एंड थ्री, फ्रॉम टू एंड थ्री, टू और थ्री से देखेंगे, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या था, हम क्या लिए थे, थ्री बाई फोर ए बी स्क्वायर था सेकेंड इक्वेशन हमारे पास, यहां पर देखिए सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है ये, यहां पर ऑलरेडी है ये सेकेंड इक्वेशन है, थ्री बाई फोर डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई सिक्स हो जाएगा, इसको बाद में यूज करेंगे हम, इज इक्वल टू थर्ड ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर हो जाएगा। इस स्टेप आप देख लीजिए, मैं थ्री बाई फोर को एक तरफ करा, इसको इस तरफ ला लिया, थ्री और फोर को इस तरफ ला लिया हमें,
हम क्या करें सेकंड और थर्ड से ले लिए, क्योंकि आपके पास सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पर है देखिए, सेकंड इक्वेशन क्या है, 3ab² / 4 = ae² है, ae स्क्वायर है। हमको थर्ड इक्वेशन भी यहाँ पर क्या है, थर्ड इक्वेशन में ए इस यहाँ पर है ae स्क्वायर है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को यहाँ पर इक्वेट कर रहे हैं। 3/4ab² = ad² - de² यहाँ पर हम ले लिए। अब 3/4ab² = ad² - de की प्लेस पे अभी लिखे हम ab/6 यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है de = a/6 from 5 यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 5 से, तब हम क्या करेंगे इसकी प्लेस में रख देंगे ab/6 यहाँ पर हम ले सकते हैं, ऊपर क्या है इसके स्क्वायर ये ले लिया। अब अगले स्टेप के लिए हमको 3/4ab² = ad² - ab² / 6 = 36 3/4ab² इसको LHS मिला लेंगे प्लस ab² / 36 = ad² हो जाएगा = ad² यहाँ पर आप LCM ले सकते हैं 36 LCM 36/4 9 आ जाएगा 36 को आप 4 से 4 9 जा 36 डिवाइड करेंगे 9 3 जा 27 ab² 36/36 1 आ जाएगा ab² = ad² हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करेंगे 28ab² / 36 = ad² हो जाएगा। ये 28ab² या इसको कैंसिल कर सकते हैं 7 से, कैंसिल कीजिए आप 7 4 4 7 28 4 9 36 7ab² / यहां पर बच जाएगा 9 = ad² इस 7ab² = क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 9ad² हमको प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है 7ab² = 9ad² हमको प्रूफ करना है, तो इसलिए क्या करना है आप लास्ट में हेंस इट इज प्रूफ्ड लिख सकते हैं। एक से दो बार देखिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्स में 2-3 बार आ चुका है, इस बार भी आने की चांसेस है।